हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। अरे बारे बहिन, तू तो राजा रानी लागत हो। दोनों प्राणी चले जा रहे हैं बाबूजी, बैठ गए। आज मौसम बड़ा सुहाना है। कोढ़ी अपने ये जो कोढ़ी था जिसका नाम कौशिक हुआ, कौशिक अपनी दुल्हन जालिपा का देखा था सूरत तो मोह गया। बाबूजी आज ईश्वर की ऐसी कृपा है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, आज इतनी खूबसूरत बनी हुई है। कोढ़ी का मन थोड़ा कुछ बड़ा प्यार करे को हो गया। अब पेड़ के नीचे बाबूजी गमछा बिछा दिया, कहा जालिपा तनी के तू आराम करा। जो जालिपा कहती कि नहीं स्वामी आप आराम करें, कहे नहीं नहीं आप आराम करें। कोढ़ी लेट जाता है बाबूजी जिसका नाम कौशिक हुआ, जालिपा से कहता कि जालिपा यहाँ आओ ना मेरे पास आओ, एकदम करीब आ जाओ एकदम करीब। जालिपा ठुमुक के उधर खड़ी हो गई और मुस्कुरा रही है, अपने आंचल के पल्लू को बाबूजी अपने दांत से दबा लिया है। कौशिक आज देख रहा है और कौशिक उठकर खड़ा हो गया। तुम मेरे दिल की धड़कन को और बढ़ा रही हो, यहाँ आ जाओ। जिंदगी तो तुम्हारी रोते रोते बीत गई जालिपा। जालिपा ठुमुक ठुमुक के आ रही है, आज विधाता ने 16 सिंगार उसको दिया है, एकदम आ गई। 16 सिंगार तन बाती सवा भरना, के बैठा देखेला सजनवा, आंचल पकड़ के बाबा। अरे वाह, आंचल पकड़ के बाबूजी घुटना टेक कर बैठा है और जालिपा को देख रहा है और उसके एक एक बाल हवा में लहरा रहे हैं बाबूजी। और का कहा था, अगर तू ना मनबू ना, अरे तोह से करबई बरजोरिया, तोह से करबई जोरा जोरिया, हम हन करबई तोह से करबई इतनी खूबसूरत बात बोला कि जालिपा आओ जरा बैठो ना। जालिपा आ गई, बैठ बैठ गई अपने पिया के पास। कह इसकी बहुत थक हो गया बाबा, लावा तो हर पाँव दबा दी। खेनरी इतना बढ़िया मौसम बना है और तू पाँव दबाई भी हमारे, हाँ सारा मामला ठंडा ना हो जाई। तो आज जालिपा मारे खुशी में बोला था बाबूजी, और का बोला था बाबूजी तर्ज लगा था बहुत, कही कि जरा आहिस्ता आहिस्ता बोला ना, ये लोग हमारा आपका बात सुने तो ही चोरी ना है, तू तो हमार ना हो, भगवान की मर्जी है, ईश्वर की कृपा से हम दोनों एक हुए हैं, हम कैसे थे और कैसे हुए हैं। जालिपा आओ ना मेरे पास। जालिपा का दोनों हाथ पकड़ के बाबूजी अपने पास बैठाया और दोनों गालों पे हाथ रख के जैसे वो चाहता है कि उसका माथा चूम लें, जैसे चाहता है कि हम उसका माथा चूम लें, तब तक जालिपा पीछे हट गई। और पीछे हट गई, उकरे मन में बड़ी दया आ गई, एकदम उसका हृदय एकदम वो हो गया कि मारे खुशी में फूली ने समाई कि हमारा पिया कितना प्यार करना जानता है। और क्या कह रही कि जानते हैं आप, जब जब मैं आपको लेकर घूम रही थी मेरे मन में बड़ी अभिलाषा होती थी, लोग अपने धर्मपत्नी के साथ मेले में तीर्थ यात्रा में जब जाते थे तो मेरा भी लगता था, मेरा भी मन कहता था स्वामी, मेरा भी मन कहता था कि मैं भी आपको सुंदर ढंग से प्यार करूं। अफसोस की मेरी वो दशा नहीं थी। और यही बात कहती है, जानते हैं स्वामी एक पल के लिए भी जब आप हमसे जुदा हो जाते थे तो मेरा दिल नहीं लगता था। और क्या कहती है बाबूजी, जियो विजय लाल सैया बेटा। सजना हो तोरे बिन जिया नहीं लागे रे, तोरे बिन जिया नहीं लागे, तोरे बिन जिया नहीं।
खुशी से नयन छलक गए। कवि ने भाव दिया भोजपुरी में, टप टप चूहे लगल, टप टप चूहे लगल ऊपर से ओरिया, टप टप चूहे लगल ऊपर से ओरिया, ऋषि ऋषि भिजे लाबी यहूती चुनरिया, ऋषि ऋषि भिजे लाबी यहूती चुनरिया, ऋषि ऋषि भिजे लाबी यहूती चुनरिया। अपने अंगनवा अपने अंगनवा में चला है सजनवा, अपने अरे हम तो है दुलही तोहा सजना है, तोर बिन जिया नहीं लागे रे, तोर बिन जिया नहीं लागे, सजना हो है। उड़ गई पिया, ये बियाबान जंगल है, आप चलिए ना, चले हम आप अपने अपने घर चले, लिवा के चलती है। बहन अनसुईया जी के दिहली दोहैया, बहन अनसुईया जी के दिहली दोहैया, अपने अनसुईया की दोहाई देते हुए बाबूजी, गौवा में आई गए, गौवा में आई गए चिरवा चिरैया, गौवा में आई गए चिरवा चिरैया, गौवा में आई गए चिरवा चिरैया, देख के खातिर जुटल नर नरिया, देख के खातिर जुटल नर नरिया, देख के खातिर जुटल नर नरिया, अरे जाली पाक सोरहा सिंगार सजना है, तोरे बिन जिया नहीं लागे रे, तोरे बिन जिया नहीं लागे, बड़े प्रेम से दोनों रहने लगे। ये भाग एक है चूड़ी का, दूसरे भाग में आप अब महासती अनुसुईया दूसरे भाग में सुने। गंगा कैसेट के माध्यम से आप महासती अनुसुईया का दूसरा भाग सुनने जा रहे हैं। देखिएगा आप, यहां से अनुसुईया ने क्या क्या किया, बड़ी रोचक दास्तान पौराणिक पेशकश आपके सबके सामने पेश है। ध्यान देंगे, गौर करेंगे, हर तरह के लोगों को सुनने के लिए लायक बात है और बढ़िया बात मिलेगी आपको। यहां जब अनुसुईया ने इतना बड़ा कमाल किया तो नारद भगवान के मन में एक बात आ गई कि वाह, ये अनुसुईया तो कमाल कर गई, सतियों में महासती अनुसुईया, उसका नाम सतियों में अग्रगणी हो गया, बहुत खुशी हुई। और नारद जी झगड़ा लगाए, पर देवलोक में पहुंच गए। कहां पहुंचे? पहले कैलाशपुरी में पहुंचते हैं, कैलाशपुरी में पहुंचते हैं और अलग जगा दिए नारायण नारायण नारायण। कैलाश पर उस वक्त शिवशंकर जी नहीं हैं और गिरिजा जी अकेली बैठी हैं, तो नारद जी को देखा, कहा आइए देवर्षि, आइए आइए आइए, क्या बात है?
कांसिया की जय हो, मां सती अनुसुईया की जय हो, मां सती अनुसुईया की गिरिजा जी चौक गई क्या रे, ये अनुसुईया कौन है? खारे देवी आप नहीं जानती, तीनों लोग जानता है और अफसोस कि आप नहीं जानती। खैर नहीं तो एक कवि ने एक तर्ज दिया कि नारद भगवान, नारद भगवान जाके चुंगुली लगायो रे, चुंगुली लगायो, नारद भगवान जाके चुंगुली लगायो रे, चुंगुली लगायो, नारद भगवान जाके चुंगुली लगायो रे, चुंगुली लगायो। अरे अनसुईया वो देवी है, रात और दिन वा का रोक ले देवी, रात और दिन वा का रोक ले देवी, रात और दिन वा के, रात और दिन वा के रोक ले देवी, रोक ले देवी। सतियन में सबसे पहले, सतियन में सबसे पहले नमावा लिखायो रे, नमावा लिखायो, सतियन में सबसे पहले नमावा लिखायो रे, नमावा लिखायो, सतियन में सबसे पहले नमावा लिखायो रे, नमावा लिखायो, भगवान जाके लिखायो रे, लिखायो। यही बात हो रही है और गिरिजा कहती है कि अरे सतियन में सबसे पहले हम लोग कहाँ गए, कहाँ हमने कहन की। अरे गिरिजा लिवा के पहुँचती है कहाँ, क्षीर सागर में लक्ष्मी के पास। नारद जी वही बात वहाँ भी बताए, लक्ष्मी को गुस्सा आ गया, ब्रह्माणी के पास पहुँचे, ब्रह्माणी जी को बताए कि महासती अनुसुईया की जय हो, महासती अनुसुईया की। नारद भगवान सबसे बताए कि आप लोग देवताओं की पत्नी होके, आप ब्रह्माणी, आप लक्ष्मी, आप गिरिजा जी, सब बेकार। सबसे आगे निकल गई वहां सती अनुसुईया। अरे बाप रे, 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन कर दिया। क्या कहते हो नारद जी? नारद जी कुछ सोच समझ कर बोला कीजिए। कहा देवी नाराज ना होइए, रुष्ट ना होइए, हम जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं, नारायण नारायण। 6 महीने का सूरज, 6 महीने सूरज नहीं निकला और 6 महीने रात का रात रह गई, जरा सोचिए आप। और जालिपा वो उसकी बहन जिसका पति कोढ़ी था, उसके सतीत्व से उसका कोढ़ ठीक हो गया, अपने आयु बल पे मरेगा। तो ऐसी सती को आज पूरे संसार में अनसुईया की जय, अनसुईया की जय, अनसुईया की जय। नारद जी इतना कहकर चले गए। बाबूजी तीनों देवियां को गुस्सा आ गया कि हम लोगों को रहते हुए एक मृतलोक की साधारण सी नारी और पतिव्रता कहलाए, महासती कहलाए, ये धिक्कार है हमारी जिंदगी को। और जब नारद जी कहके चले गए, शंकर जी कैलाश पर विराजमान हुए, डमरू बज गया भोलेनाथ का, डमरू बज गया। गिरिजा जी के बनाए आवा आवा आवा, आजा दुल्ही आजा आजा। तो जरा भूख भूख लगी है, कुछ भांग धतूरा कुछ घोट घाट के हमके दे और कुछ खावा जाए। आज त्यूरी चढ़ी है गिरिजा माँ की, कहे भोजन ले बा, कहे हाँ, भोजन ले बा, कहे हाँ, कहे अच्छा भोजन दे थे। तो क्या कहते बाबू जी? हाँ सही हो, अरे बड़े क्रोध में शिव शंकर से, हाँ बड़े क्रोध में शिव शंकर से बोलल न गिरिजा माई, हाँ बड़े क्रोध से शिव शंकर से, अरे बड़े क्रोध में शिव शंकर से बोलल न गिरिजा माई, भोजनमा 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 तोहके जेई चली जा अनसुईया के दुआरी, भोजनमा तोहके जेई चली जा अनसुईया के दुआरी, भोजनमा तोहके जेई चली जा अनसुईया के दुआरी। बड़े क्रोध में शिव शंकर से, बड़े क्रोध में शिव शंकर से बोली गिर जाई, हो जाना वा, हो जाना वा, हो जाना वा, लोग कहते हैं चल जाना, प्रिया के दुआरी, हो जाना वा, तो कहते हैं चल जाना।
सुइया का नाम ले रही हो, इस तरीके से कह रही हो? अरे देवी, उसके सामने लगाओ महासती अनुसुइया। कहे हाँ हाँ हाँ, वही भोजन दे दो के जल जाए, अब आज भोजन गिर जाना दे। अब आवाज से हमसे भोजन न मांगा तो भोलेनाथ कहा थी, एक बात बताओ। हम का जनाला नारद बाबा हिया आइलन, हम का जनाला नारद बाबा हिया आइलन, हम का जनाला नारद बाबा हिया आइलन। महासती वाली सारी, महासती वाली सारी बतिया बतैलन, महासती वाली सारी बतिया बतैलन, महासती वाली सारी बताइए। आप बड़े प्रेम से पूछ रहे, बड़े प्रेम से पूछ रहे हैं गिरजा से शिवराई। भोजनमा 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 तोहके देई, चल जा अने सुइया के दुआरी। भोजनमा तोहके देई, चल जाया के दुआरी। भोजनमा तोहका देई, चल जाया के दुआरी। यहाँ ये करिश्मा मचा हुआ है, गिरिजा गुस्से में बोल रही है, बाबूजी एकदम रुष्ट हैं आज। भोलेनाथ समझ गए, कहा तो भोजन कैसे मिलेगा, भोजन कैसे मिलेगा बताओ ना। अनसुइया तो महासती अनसुइया है, कहे जब तक अनसुइया मृतलोक में जाइए, भोलेनाथ जाइए मृतलोक में। कहा बोलो देवी, बोलो ये हमार भांग धतूरा गांजा ये सब आप ना देबू तो कौन दे। कहे जाके अनसुइया जी के धर्म डिगावा, जाके अनसुइया जी के धर्म डिगावा, जाके अनसुइया जी के धर्म डिगावा, जाके धर्म डिगादा और महासतियन से उनके नमावा कटावा। महासतियन से उनके नमावा कटावा, भोजनमा 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 तोहके देई, चल जा अने सुइया के दुआरी। भोजनमा तोहके देई, चल जा अने सुइया के दुआरी। इतनी सी बात नहीं हुई दोस्त, भगवान शिव शंकर चकित हो गए कि मैं धर्म डिगाऊं जाकर अनसुइया के साथ, जब तक उसके शरीर से शरीर स्पर्श नहीं होगा उसका धर्म नहीं डिगेगा। ये तुम चाहती हो कि मैं जाके अनसुइया के यहाँ मतलब कुकरम फानी हम? कहे हाँ, अनसुइया का नाम जब तक अनसुइया का नाम उससे हटेगा नहीं, महासतियों से नाम उसका हटेगा नहीं, हम नहीं मानते। भोलेनाथ जी बाबूजी अपने मन में विचार कर लिए कि ठीक है देवी, मेहरारू के आगे जब देवता झुक गए तो आजकल के मनई की बातें छोड़। देवता आज वही महासती अनसुइया का धर्म डिगाने के लिए शंकर जी चल दिए, बाबूजी शंकर जी चल दिए। और इधर क्षीर सागर में
विष्णु भगवान जब पहुंचे तो लक्ष्मी जी एकदम कुप्पा फुला के बैठी हैं। भगवान बोले कि भाई दुनिया खा लिया, हम पालनहार हैं, सबको खिला दिया हमने, जीव जंतु छोटे छोटे जानवर से लेके सबको खिला दिया भोजन, तो आइए हम दोनों प्राणी भी खाएं, कहीं भोजन न मिली। लक्ष्मी बोली भोजन न मिली जा। अरे क्या बात है, कहे तो के सबका भोजन अनसुईया दे। कहे नारद जी अरे का ही वो समझ गए कि बस कौन चुंगल खो रही पहुंचा। कहे नारद जी आ रहे, कहे हाँ नारद जी आ रहे। नारद जी बताए कि महासती अनुसुईया, अनुसुईया की जय, अनुसुईया की जय, और हम लोग देव मंडल से सुन रहे हैं, देव लोग से सुन रहे हैं, अनुसुईया की जय, अनुसुईया की जय, अनुसुईया की जय, अनुसुईया इतनी बड़ी सती हो गई। विष्णु भगवान कहे कि देवी अनुसुईया अनुसुईया तुम चिल्ला रही हो ये अच्छी बात नहीं है, उसके नाम के सामने लगाइए महासती अनुसुईया। ये और बन गया है, वाह वाह वाह। कहे तो भोजन वही दे, कहीं नहीं भोजन दीजिए, कहीं भोजन ना मिले, कहीं कि भोजन अगर मिलेगा तो कैसे मिलेगा, कहीं जाके तू अनुसुईया के धर्म दिखावा। विष्णु भगवान कहे कह रहे देवी आप कह रही हैं कि अनुसुईया का धर्म दिखाई जाके ओकर सती तो नष्ट करी हम। कहे हाँ अगर ओकर सती तो ना नष्ट होई और ओकर नाम ना मिट जाए दुनिया से तब तक भोजन न मिली। भगवान मान गए कि कोई बात नहीं, मैं अनुसुईया का धर्म दिखाने जाऊंगा। और विष्णु भगवान अपने लोग से चल दिए क्षीर सागर से, ब्रह्माणी ब्रह्मा के लगे पहुंची हैं। ब्रह्माणी ब्रह्मा से क्या कह रही हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई कुछ खाए पिए के दे दे, जितना दुनिया हम बनाए हैं, जो भी सृष्टि की रचना हमने किया है, सबको भोजन मिल गया है तो हमको भी मिलना चाहिए, जाओ। तो बाबू जी ब्रह्माणी का कहा थी एक बात हमको बतावा, कहे हाँ कहन मृत्यु लो कवा में सुइया महतारी, जाय के धरमवा हो, जाय के धरमवा दिगावा ब्रह्मचारी, जाय के धरमवा दिगावा ब्रह्मचारी, जाय के धरमवा दिगावा ब्रह्मचारी। कस गई नी पगलाई, भोजनमा 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 तोहके देई, चली जा अने सुइया के दुआरी, भोजनमा तोहके देई, चली जा सुइया के दुआरी, भोजनमा तोहका देई, चली जा सुइया के दुआरी। बड़े क्रोध में शिव शंकर से, बड़े क्रोध में शिव शंकर से बोली गिर जाई, अरे बाप रे ब्रह्मा जी भी कहे ओके जाके हम धर्म डिगा दे, ओकरे साथे कुकरम फानी, तो जाके धर्म डिगी ओके तो हमके भोजन मिली। लेकिन बाबूजी औरत के आगे ब्रह्मा जी को भी झुकना पड़ा। ब्रह्माणी जी ने कहा कि जाइए आप, तीनों भगवान तीनों जन से नाम बताए हैं, शंकर जी कैलाशपुरी से और विष्णु जी क्षीर सागर से, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से चले हैं बाबूजी धर्म डिगाने के लिए। आई अपने मन में सोचा थी कि एका तो हम ही के करे का है, एका न शंकर जी करे बा और न विष्णु जी के करे बा। विष्णु जी सोचते हैं कि एका हमके करे बा, न शंकर जी करे बा न ब्रह्मा जी के। शंकर जी सोच रहे हैं कि एका हम ही के करे बाटे, न एक विष्णु जी के करे बा न ब्रह्मा जी के करे बा। तो हम चल जाब चुप्पे से उकर तन का स्पर्श करब और धर्म होकर डिग जाए, काम हमार बन जाए, गिरजा जी का फिर हमार भांग धतूरा और चलना शुरू हो जाएगा। भोले ना चले। अब तीनों भगवान चलते चलते बाबूजी आके एक चौराहा पर मुलाकात हुई, तो देखा भगवान का माया ही कि वो उधर से, वो पश्चिम से, वो पूरब से, वो दक्षिण दिशा से। तीनों जने का भैया प्रणाम, विष्णु भगवान शंकर भैया प्रणाम। अरे विष्णु जी आप कहाँ, शंकर जी आप कहाँ, ब्रह्मा जी आप कहाँ जा रहे हैं आज, मतलब शंकर जी मुड़ी घुमा ली है कि अब का बताइए हम। विष्णु जी से पूछे, विष्णु जी बताइए आप कहाँ जा रहे हैं।
अब देखा ये तीनों जन तो मतलब एकदम उतर हुए हैं कुकरम पे और क्या कह रहे हैं बाबूजी। तो विष्णु भगवान से झूठ नहीं बोला गया, विष्णु भगवान कहे कि आप सब झूठ बोलता भैया, लेकिन हम सच बोलते हैं कि हमारे मेहरारू रुसियान पर भोजन नहीं मिलता है। अब भोजन नहीं मिलता बा, वो कहा नारद जी पहुंच गए, वो लगा दिए चुगली, ले अब कहने की भोजन नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा जब तक कि अनुसुईया का धर्म न डिगा दे। अरे शंकर जी कहनी यही मामला तो हमारे यहाँ बसा बा। ब्रह्मा जी कहा बोला थे कि यही बात तो हम लेके परेशान है भाई, ये धर्म देखे तो कैसे डिगे, वही हमू जात है। तो विष्णु भगवान कहें कि बड़ा चोरी किया आप, चुप्पे से चल दिया। शंकर जी कहते कि तू ही का बताए कि हल्ला मार के आया है, सबके चोरी चोरी ना आए है, सबके सबकनों को मेहरारू भेजे हैं, फिर अगर धर्म डिगाने हैं तो चलिए फिर चलो। और तीनों आदमी जब चलते हैं बाबूजी तो अपने मन में विष्णु भगवान तो पीछे में हैं, आगे आगे ब्रह्मा जी, विष्णु जी पीछे पीछे, सबसे पीछे शंकर जी। शंकर जी कहते हैं कि भैया कहें हाँ, कहें कि तीन आदमी एक साथ और औरत एक वहाँ जाना है और कैसे होगा। कहें चलिए भाई चलिए, जो होगा देखा जाएगा, चलिए क्या किया जाए, औरत से तो मिजाज एकदम खराब है भाई। देखा भाई जी अनसुईया का धर्म डिगावे, कवि ने अब शगुन कैसे दिया इसमें, अनसुईया का धर्म डिगावे चली भाई ले तीनों भगवान, झट से छीक भाई बाएं पा पहला यशगुन भाषिरी मां, सन का सांप मिला रहिया मां, आचर खोले बाझ खान, कानवा भन स्नान करतबा, कानवा भन स्नान करतबा, तेली कुपाली हे भेटा, सियारया गा काट के निकरा, डगरा लोखरी मिली उता, कागा बोलई बनेरिया ऊपर, कुकुरा बोलई आन काता, अरे कुटिया के गोईड़े जब पहुँचे, कुटिया के गोईड़े जब पहुँचे, बड़े जोर गदहा चिचिया,